mm you -hmm. कम एंड वेलकम बैक टू स्टाइल आवर्स टू आज सुबह सुबह मुझे अपॉइंटमेंट थी जो कि मैं भूल चुकी थी डॉ मेडिकल में और मुझे जो है न्यूरो सर्जन को दिखाना था नो uh, वरीज no मेरे कुछ uh, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी मैंने कहा वो चले डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि uh, प्रॉब्लम एक्सटेंड करें और यहाँ पर वीडियो बनाना मना है लेकिन हम यूट्यूबर्स आपके लिए कुछ ना कुछ टोटका कर ही लेते हैं घर वापस आई तो पता चला दिलारा का बुखार जो कि बहुत कम था लेकिन बढ़ चुका था तो मैं से फ़ौरन सी बी एम लेके गई वहाँ पर इसे ड्रिप लगी और अलहमद लाइश स्टेबल नाउ तो कुछ मौसम के असरात हैं आप भी अपना और घर में बच्चों का तमाम घर वालों का ख़्याल रखें तो और इसी ख्याल के तहत मैंने सोचा आज जनाब बनाती हूँ मैं बेहतरीन किस्म का सूप जो कि दिलारा को भी अच्छा लगेगा घर में सबको देती हूँ और गला भी ठीक होगा मौसम का मज़ा भी लिया जाए तो इसको वापस ला के मैंने फिर प्रोसेस शुरू किया और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बेस्ट सूप रेसिपी इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा होंगे क्योंकि मेरी ही रेसिपी है <laughs> तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छे सॉफ्ट ये कॉर्न लेकर आई हूँ इनको मैंने बॉयल किया ये सब तो नहीं डलेंगे डलेगी तो एक ही कॉर्न लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद है बॉयल की भी आप भी बच्चों को इस तरह का ऑर्गेनिक खाना ज़रूर दिया करें एज़ ए साइड डिश के तौर पे आपने इसमें बस एक दो चम्मच सॉल्ट डालें और बटर का एक चम्मच डाल के इसको बॉयल होने रख दें याद रखें कि आपने डेलीकेट और सॉफ़्ट ही ये मकई लेनी है कॉर्न लेनी है एक इसमें कैबेज जाएगी एक कैप्सिकम है और एक ही गाजर इनको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिए। क्यूबिकल फॉर्म में करना चाह रहे हैं क्यूबिकल फॉर्म में करें ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप मशीन में इसको डाल के आ, बारीक करना चाह रहे हैं इट्स टोटली अप टू यू लेकिन ये इतना सॉफ़्ट हो जाएंगे सब्ज़ी तमाम कि पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वेजिस डली हुई हैं और इस तरह से इनटेक भी हो जाएगा वेजिटेबल का साथ में मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो बॉईल होने के लिए रख दी है उसमें एक मैंने पूरा अनियन डाला है एक पूरा मैंने लहसुन डाला और छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है साथ काली मिर्च और नमक डाल के रखा है देखें किसका तो सॉफ्ट हो गया कॉर्न बहुत ईजीली और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है तभी तो उसका नाम कॉर्न सूप रखा गया है ना अच्छा ये जो मेन जो इंग्रेडिएंट है ये मेरे पास जो चिकन है जो कि बोनलेस है इसके क्यूब्स काट के रखे हुए ये मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है यखनी इतनी देर में तैयार हो चुकी है इसको मैंने स्ट्रेन किया और ये जितनी भी इसमें ये बोटियाँ हैं इनको मैंने तार तार कर दिए यानी कि रेशा रेशा किया ये भी डलेंगी और ये जो मैंने आपको क्यूबिकल जो बोनलेस चिकन दिखाई है ये भी इसमें ऐड होगी जी जी तभी तो फ्लेवर इन्हेंस होगा अब ये यखनी तैयार है इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और अच्छे से ही बॉयल होगा इस दौरान में मैं आपको चिकन का बताती हूँ इस हमने जो बोनलेस चिकन है इसका क्या करना है ये तकरीबन है एक कप के करीब चिकन है ज़्यादा नहीं है इसमें मैंने एक स्पून एक टी स्पून, एक टी स्पून काली मिर्च ऐड की और हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया बस यही इसके इंग्रेडिएंट है और इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर ये कॉर्नफ्लोर मैं लेकर आई यहाँ से इम्तियाज़ से नहीं नहीं कहाँ से ले कर आए थे मेट्रो से लेकर आई थी और अच्छी क्वालिटी का प्लीज़ इस्तेमाल करें नहीं तो सूप का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये आ, जो दूसरे कॉर्न होते हैं कॉर्न फ्लोर जो होते हैं अच्छा ये मैंने इसमें ऐड किया अच्छे से और इसको मैं अब करूँगी शैलो फ्राई इसको अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे ना और जब हम सूप सर्व करेंगे तो तब ये इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी चिकन तो बहुत ही टेस्टी इसका एक तो सूप का फ्लेवर भी इनहंस होगा और ये जो बारबिक्यू की तरह किया हुआ ये चिकन है ना इसका जब मुंह में बाइट्स आती है ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है तकरीबन एक से डेढ़ स्पून मैंने पैन में जो है ऑयल लिया पैन अच्छे से गर्म होगा और इसमें मैंने ये चिकन की क्यूब्स जो हैं ये ऐड कर दिए और ये लो फ्लेम में पकेंगे ताकि अच्छे से गल जाएं ये ना कि सूप बहुत अच्छा सा गला हुआ और बहुत अच्छा टेस्टी हो और बीच में जो है च्यू करती हुई बोटियाँ तो वो फिर अच्छा अच्छी फीलिंग नहीं आती अच्छा ये चिकन इस तरह से आएगी आपकी बाइट्स में जिस तरह से आप आ, क्या कहना चाहिए प्रॉन वाला सूप पी रहे हो ना ओहो उसका अपना ही मजा है <laughs> ये देखें मैंने इसको अच्छे से पिंक किया है और अब ये ब्राउन हो चुका है आपके लिए देखें कैसी तेज़ी से मैंने कर दिया बिल्कुल जस्ट लाइक अ मैजिक ले जी सूप उबल उबल जा रहा है और अब इसमें मैंने ये तमाम वेजेज डाल दिए सबसे पहले मैंने गाजर डाली और उसको थोड़ी देर दम में रखा क्योंकि गाजर ज़रा गलने में टाइम लेती है आ, ये ना हो कि आ, ये अलग से इसका फ्लेवर आ रहा हो तो उसको थोड़ा टाइम देने के बाद मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए हैं मैंने इसमें कैबेज कैप्सिकम सब डाल दिया और ये दो अंडे हैं जिनको मैंने अच्छे से बीट किया है और इनको डालने के बाद आपने चम्मच नहीं हिलाना यस दिस इज टिप और इसको डालने के बाद आपने तकरीबन तीस मिनट तीस सेकेंड तक चम्मच नहीं हिलाना और जब यह अंडा अच्छा से पक जाएगा ना न स्टर इट और ये देखें जनाब किस कदर अच्छे जबरदस्त बाइट्स लग रही है इसमें एग्स की और इसमें मैंने चिकन भी शेटर करके जो है वो भी एड कर दी है अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर एड करेंगे और ये तकरीबन मैंने चार बड़े चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लिया है इसमें पानी मिक्स करेंगे अच्छे lumps ना आए बीच में और इसको भी हमने स्लोली जो है इसमें सूप में add करना है ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए इसमें और अच्छे से चेक कर लिया मैंने कि लम्ब्स नहीं है इसमें और ये मिक्स करने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप वीडियो वैसे तेज है आपके लिए लेकिन मैंने ये बहुत इजीली डाले और अब ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी बेहतरीन हो चुकी है इसमें मज़ीद आपने अब पेपर ऐड करनी है और आ, चिली गार्लिक सॉस ऐड करनी है और सर्व करते हुए आपको जो चीज़ पसंद है वो दें सोया सॉस दें जो मर्ज़ी आपको पसंद हो सर्विंग की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि सब ने अपना अपना बॉल बना के पी गया और मैंने जब पहुँची तो था ही नहीं <laughs> खत्म हो गया लेकिन ये बेस्ट पीस हो गया बहुत ही पसंद आया सबको और ये जो चिकन के मैंने जो पीसेस डाले हैं जो कि हमने फ्राई किए थे इन्होंने तो ज़िंदगी आसान कर दी ज़बरदस्त आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें साथ में मैंने बनाए कोफ्ते देखें जी क्या प्यारे कैसे उछल उछल जा रहा है सालन के मुझे खा लो मुझे खा लो इसमें मैंने धनिया डालने लगी हूँ और आज हमारे मॉम्स कॉर्नर में सेल हो रहा था ये थाली सेल हो रही थी जिसमें कुछ वेजिटेबल्स थी इसके अलावा चिकन मखनी था पास्ता था और सैलड है रोटी है साथ बॉयल राइस है मीठा भी है और ये बारह सौ की प्लेट दे रही थी मॉम्स कॉर्नर पर अच्छा लग रहा था देखने मैंने आपके लिए बनाया वरना मैंने ये इसको बाय नहीं किया लेकिन इट्स लुक्स रियली गुड इनमीन वाल मुझे फ़रियाल ने वीडियो भेजी अपनी यूनिवर्सिटी की कि वो बास्केटबॉल खेल रही है और कुछ उसने स्पोर्ट्स में भी जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है भाई खेलना चाहिए जो एक्टिविटीज़ हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके साथ साथ उसने इवेंट प्लानिंग में भी जो है उसकी भी क्या कहना चाहिए उसको उनका इंस्टीट्यूट या कुछ भी कह लें उनका ग्रुप है वो भी ज्वाइन किया हुआ है सो so, उसने मुझे वीडियो बना के दिखाई कि सिंगल हैंडेड उसने किस तरह से बास्केट में जो है बॉल डाली और थर्ड uh, अटैम्प्ट में आई थिंक इट हैपन होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब इट डू सब्सक्राइब स्टार अवर्स टू टिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग सी यू टेक केयर बाय बाय